Прицел 575, право 375. यूक्रेन के पास जहां हथियारों का भारी संकट है, वहीं रूस के पास एक से बढ़कर एक स्मार्ट, अपग्रेडेड और ताकतवर हथियार है। यदि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी और नेटो देश यूक्रेन को अपना समर्थन देना बंद कर दें, तो रूस अपने ताकतवर विनाशकारी हथियारों से पलक झपकते यूक्रेन को खत्म कर देगा। ऐसा ही रूस का एक विनाशकारी हथियार यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका पूरा नाम है यदरनया रकेता ज़्वेज़्हिवानिया, जिसे शॉर्ट में यार्स कहते हैं। रूस के सबसे विनाशकारी हथियारों में से एक यार्स एक परमाणु निरोधक मिसाइल है। रूस के स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेस ने इरकुत्स्क क्षेत्र में इस हथियार को चलाने का अभ्यास भी पूरा कर लिया है। 3000 से अधिक रूसी फोर्स ने रासायनिक खतरे की स्थिति में काम करने या सैबोटाज ग्रुप्स के हमले को रोकने की ट्रेनिंग ली है। रूस की डिफेंस स्ट्रेटजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस मिसाइल की स्टेल्थ यानी छिपने की क्षमताएं और ऑनबोर्ड काउंटर मेजर क्षमताएं इसे सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को भी बायपास करने में सक्षम बनाती है। ये कई स्वतंत्र रूप से टारगेटेबल वॉरहेड्स ले जाने में भी सक्षम है। इस परमाणु हथियार को मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। यह हथियार 11,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित टारगेट पर पहुंचने में सक्षम है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फेडरल असेंबली में अपने वार्षिक संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि रूस के पास पश्चिमी देशों के टारगेट तक पहुंचने में सक्षम हथियार है। पुतिन के इस बयान को पश्चिमी देशों के लिए धमकी माना जाए या फिर ये पश्चिमी देशों पर यूक्रेन की मदद न करने का दबाव बनाने की पुतिन की चाल है। हालांकि रूस ये भी कहता रहा है कि उसके परमाणु बल पूरी तरह से रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए हैं, जिनका उद्देश्य बड़े युद्धों को भड़काने के बजाय उन्हें रोकने के लिए है। रूस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है और देश के खिलाफ किसी बड़े हमले की स्थिति में ही अपने परमाणु हथियारों को तैनात करने की कसम खाता है। आपको बता दें कि रूस डराने धमकाने की अपनी चाल के तहत भले ही कुछ भी बयानबाजी करे, लेकिन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना उसके लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि यूक्रेन भले ही उससे मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि परमाणु हमले की स्थिति में यूक्रेन के पीछे खड़े अमेरिका जैसे देश को भी खुलकर सामने आने का मौका मिल जाएगा। इससे रूस की भी मुश्किल बढ़ सकती है।